इस तरह जश्न आजादी नहीं मनाई जाती है, जश्न आजादी इस तरह मनाई जाती है। क्या हाल है दोस्तों, तुम लोग सोचो कि मैं सब कहाँ पे हूँ। आज 14 अगस्त और हम लोग 14 अगस्त मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान वाले जो वो डिफरेंट तरीके से मनाते हैं, पंजाब वाले, सिंध वाले जिस तरह भी मनाते हैं, मनाए बाजे के साथ पानी फेंक के। लेकिन हम लोग हैं, हम लोग किस तरह मनाते हैं ये आज मेरे दोस्त हाजी शहबाज कुर साहब बताएंगे। सर बताएं। यार 14 अगस्त है, 14 अगस्त हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो कि आज रैली निकाल रहे हैं हम लोग, जो कि लीड कर रहे हैं सरदार कमाखम बंगुजई और राजीव उमर नवाजपुर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रैली है तकरीबन ये, जिसमें हजारों गाड़ियां हैं और ये क्वेटा से मस्तुंग तक ये रैली जा रही है। ओके, और आप लोगों को याद होगा नवीद भाई। नवीद भाई कैसे हैं आप? और नवीद भाई का अगर याद नहीं, हम लोग जलमक्सी गए थे डेजर्ट रैली पे और हम लोगों ने इंजॉय किया था, वहाँ पे खाना खाया था। आप बताएं आजकल क्या मसरूफियात चल रही है आपकी? यार आजकल तो बस घर में छुपे, घर में छुपे। और एक और चीज़, लाइब्रेरी भी जाते हैं। आपको जितना पिछले ब्लॉग में याद नहीं है, ये बंदा जो पढ़ने में बहुत होशियार है और पढ़ता जा रहा है, इस दफा किस चीज़ का टेस्ट दे रहा है? इंशाल्लाह इरादा है मेरा, एक टेस्ट आ रहा है इंफॉर्मेशन ऑफिसर का। दुआ करो, सारे दुआ करो कि इसका हो जाए। दुआ करो, लाजमी नीचे कमेंट करो, बेस्ट ऑफ लक नवीद जल्दी। यार जिस तरह आप लोगों ने देखे है ना, बाहर लोग अंडे मारते हैं, नाली की पानी प्लास्टिकों में भर के लोगों को मारते, यहाँ बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है। शहर के अंदर कुछ लोग करते, इस मरतबा पुलिस ने अच्छा एक्शन लिया, लोगों को गिरफ्तार भी किए जो इस तरह कर रहे थे ना, लगड़ी पार्टी जो कहते हैं इसे। तो हमारा तरीका ये है, हम लोग मौजिब कौम है, एक अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ रैली निकालते, झंडे लगाते, तो खुशी का इजहार हम लोग इस तरह करते हैं, ना कि किसी और को जो है तकलीफ दे के जो है खुशी का इजहार नहीं किया जाता। हमारे पीछे जो है तकरीबन कोई 100 गाड़ियां और हम लोग जा रहे हैं अपने मस्तूम की तरफ, रैली की तरफ। और मैंने नोट किया कि पारे भाई जब भी 14 अगस्त होता ना, पारे भाई ने ये कढ़ाई वाला सूट पहना लाजमी। और ये सूट इनका प्रोफेशनल सूट है जो कि 14 अगस्त पे पहनना ही पहनना। ये मेरा फेवरेट है, थोड़ा सा पीछे करके दिखाएं ना, ये देखें इसके साथ ये थोड़ा सा वो काम भी हुआ है, यहाँ पे भी काम हुआ है, तो मैं खास यही पहनता हूँ, ये अच्छा लगता है। आकिब ने वाइट पहने, मैंने ग्रीन, हम दोनों झंडा बन गए ये भाई। मैंने बोला आज मैं ड्रेसिंग थोड़ी डिफरेंट करूँ ये भाई, क्योंकि हमेशा, हाँ जी, क्योंकि हमेशा जो है ना, हमेशा हमेशा मेरे साथ ये होता है कि मैं वाइट शलवार कमीज वेस्ट कोट पहन के ब्लैक झंडा इधर लगा के छोटा सा घूम रहा होता हूँ, तो आज मैंने कहा थोड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी आवाम है और हम कितने जोश जज्बे से 14 अगस्त मना रहे हैं और हम रैली लेके जा रहे हैं मस्तूम की तरफ। और गर्मी भी बहुत है लेकिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जज्बा कम नहीं हो रहा किसी का भी। लास्ट ईयर जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसमें शहबाज ने वादा किया था कि वो शेर लाएगा और मैं उसका ब्लॉग बनाऊंगा। मेरे पास एक्चुअली शहबाज ले आया था, उसने मुझे ब्लॉग का बोला, मेरे पास टाइम नहीं था, म्यूजिक वीडियोस वगैरह शूट कर रहा था तो ब्लॉग नहीं बना सका, लेकिन मैं शेर को देखने गया था। मैंने काफ़ी स्टोरीज भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, अगर किसी को याद है। मैं शेर लेकर आया था, लेकर आया था शेर का, वो मैंने इम्पोर्ट करवाया था अफ्रीका से। चल अभी मेरा इरादा है टाइगर वगैरह भी लेकर आने का, एक प्राइवेट जू बनाने का, जिसमें ये करूँगा मैं शेरों का ब्रीडिंग करूँगा मैं, जो कि बलूचिस्तान में शायद पहली बार होगा ये इंशाल्लाह। और बलूचिस्तान में बहुत बंदों के पास शेर जिसने रखे हुए हैं, वो जालियों में रखे हुए हैं। मेरा इरादा ये है कि शेरों को टेम करना अपने साथ, मतलब या किसी पेट की तरफ से पालना। ओके, इस रैली में मैं देख रहा हूँ कि कोई जवान नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, किसी ने कोई अपने एज का लिहाज नहीं किया, जवान भी निकला हुआ, बच्चा भी निकला हुआ, बूढ़े भी निकले हुए, जश्न आज़ादी में आ रहे हैं और इस हम लोग काफिले के साथ जा रहे हैं। और ये काफिला हमारा जाएगा मस्तूम तक और ये पूरी जो रैली हमारी जा रही है ये सिर्फ एक पॉजिटिव पैगाम है कि बलूचिस्तान में अमन है, बलूचिस्तान डजंट नीड फ्रीडम, वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ओके, मेरे पीछे ये वाला जो बंदा दिख रहा है ना, ये वाइट कपड़ों वाला, ये तकरीबन 3 दफ़ा ब्रेक लगती है गाड़ी में लगता है फिर, लेकिन जज्बा नहीं आ रहा, तस्वीरें खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, ये जज्बा होना चाहिए। शहबाज जो था वो शार्ट था और अभी पता नहीं कहाँ से पीछे से वो करके आ गया। चलो चलो चलो, हाँ ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये काफिला लाहौर तक जाएगा अभी, मस्तूम तक ये काफिला जाएगा मेरे पीछे अभी, और ये हम आगे आगे जा रहे हैं इनके साथ। यही तो है 14 अगस्त का हुड़दंग, हुड़दंग भी ऐसा कि जान ही चली जाए। बस चले चले अभी बैठे बैठे। यार मुझे प्यास काफ़ी लग रही है क्योंकि गर्मी भी बहुत है और ये आप देख सकते हैं कारवां भी जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि साथ साथ वो क्लियर भी करा रहे, ट्रैफिक भी बहुत है। ठीक है,
पानी की तलाश अब ढूंढते हैं पानी, शबाज लोगों के पास तो है नहीं पानी। देखिए मस्तूम के थोड़ा सा हम लोग पास हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है, एसी भी काम करना छोड़ दिया, हमने शीशे नीचे कर लिए। अभी ठंडी हवा आ रही है बारिश। खराब खैरियत से। ओके परसों जो है शहबाज भाई ने मुझे अपनी गाड़ियों की कलेक्शन दिखाई है जो कि 50-60 ज़्यादा गाड़ियाँ और बाइक भी बहुत ज़्यादा है, और मैंने कहा क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊँ इस चीज़ का। शहबाज भाई भी मेरे साथ हैं। अगर इस वीडियो के नीचे जो है वो 500 लाइक्स आ गए, ठीक है, तकरीबन 3 दिनों में 500 लाइक्स आ गए तो मैं व्लॉग बनाऊँगा शहबाज मेरे साथ। शहबाज सही है, सही है, डन हो गया। बस 500 लाइक्स आने चाहिए। हमारे साथ अजी अजी रशीद कुर्द भी मौजूद है। आज रैली निकाली है हम लोगों ने सरदार कमाल खान के साथ, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी हमें काफ़ी सपोर्ट दे रही है, इधर FC हमें, तो एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार ट्रिप बड़ा अच्छा जा रहा है, हमने बीच में स्टे लिया, लेकिन अभी मैं जो है ना एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, स्कूबी होता मेरा नवीद भाई के बीच में बड़ा मज़ा आता, वो भी फिरता रहता था हमारे साथ ट्रिप में, हमेशा जाता था और हर जगह पे स्कूबी जाता है और उसके बहुत मज़े हैं। और स्कूबी से जो इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा जो प्यार करता है वो है नवीद। नवीद बताओ। नवीद बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। नवीद कहता है जब भी मैं उसको पकड़ता हूँ मुझे ऐसे चाटता रहता है वो। कुछ कहेंगे आप इस बारे में? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ओके अभी यहाँ पे रैली रुकी और यहाँ पे हम लोग झंडा निकालने वाले। जो झंडा है वो तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा झंडा है जो कि मस्तूम लेके जाएंगे यहाँ से और वो खुलेगा, तो मतलब ये तकरीबन बलोचिस्तान का रिकॉर्ड है कि 6 किलोमीटर, इतना बड़ा झंडा बलोचिस्तान में कभी भी नहीं बना। तकरीबन 5-6 किलोमीटर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं, बलोचिस्तान का रिकॉर्ड है कि सबसे बड़ा जो झंडा यहाँ पे लेके जाएंगे रैली में वो ये वाला, जो कि मैं ड्रोन शॉट ले रहा हूँ। So nice to y'all, now I got a up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. 86 all the hate, I woke in a bar today. Got lost in the Bolognese, I'm flipping the bars, I'm flipping the flipping the flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin' on record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. I'm trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. आज बहुत अच्छा लगा इस तरह 14 अगस्त बना के सुकून से हम लोगों ने रैली का हिस्सा बने, इतना बड़ा झंडा करके ग्लोबल स्केल पे दिखाया कि बलूचिस्तान में अमन है और हम लोग इस तरह बलूचिस्तान वाले जो हैं वो इस तरह 14 अगस्त मनाते हैं सुकून से, कुछ गलत नहीं करते, किसी के ऊपर पानी नहीं फेंकते। वो लोग हैं हर जगह होते हैं वो लोग जो कि नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, लेकिन हम लोग जो हैं रियल चेहरा दिखाते हैं कि हम लोगों का बलूचिस्तान इस तरह का है और हम लोग बलूचिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। बहुत मज़ा आया और जब संगत साथ हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। इस दफ़ा ये मज़ा आया कि हमारे पे पानी नहीं किसी ने फेंका, ठीक है, स्प्रे नहीं किसी ने किया, वरना गुजरते गुजरते स्प्रे हो जाते और हम गीले हो जाते हैं। इतनी मेहनत के बाद अभी हमें नवीद भाई अपने रेस्टोरेंट लेके आए हैं। अगर किसी को नहीं पता यूनिवर्सिटी वसन के सामने न्यू मिर्ची रेस्टोरेंट जो है नवीद भाई का है और ये हमें खिलाने लाए हैं। सबसे पहले आज किधर गए शहबाज भाई? शहबाज भाई से पूछते हैं नवीद भाई के रेस्टोरेंट के बारे में। यार नवीद का रेस्टोरेंट न्यू मिर्ची है, ठीक है, न्यू मिर्ची के नाम से यूनिवर्सिटी के सामने है और हमें खिलाने लेकर आया। कितने अरसे के बाद आया? तकरीबन यार जब से दोस्ती हुई आज पहली बार मैं आया हूँ इसके रेस्टोरेंट। झूठ बोल रहे भाई, हमेशा लाता हूँ इसे। इस तरह तो बोलेगा यार आपको, खुद समझदार हो आगे भाई। इसे नहीं खिलाता, इसका बॉडी देखो यार, बॉडी चेक करो। तो यार ये डाइट से बनी है, रोल से थोड़ी यार, रोल बर्गर से थोड़ी बनी, बोटिया खाता है यार, यहाँ का बोटिया इसलिए बॉडी बना है। मतलब कि मेन चीज़ ये है कि इन दोनों में हो रहा है मसला हो रहा है, ये बोल रहा है मुझे खिलाता नहीं है, ये बोल रहा है मैं खिलाता हूँ। नीचे कॉमेंट्स में बताओ कौन सच बोल रहा है। ये बंदा वैसे थोड़ा सा सच्चा है जो जहाँ तक मुझे पता है। हम लोग थैंक यू कहते हैं नवीद भाई का जिन्होंने आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में खाना खिलाया। नहीं नहीं बहुत बार खिलाया, मजाक कर रहा हूँ। नवीद भाई थैंक यू, वेलकम भाई। हमें रोल खिला के खुद बिरयानी खा रहे हैं। ओके अभी घर पहुंचा हूं और आज बहुत अच्छा लगा, मतलब सादगी से एक पॉजिटिव मैसेज लेके झंडा वगैरह हम लोगों ने दिखाया और सब कुछ किया। मुझे अच्छा लगा इस तरह के रैली में जो है शामिल होके एक पॉजिटिविटी फैलाने का, ना कि लोगों के ऊपर पानी फेंके या
बाजे बजा के साइलेंसर निकाल के ऊपर बाइक चलाने का। और आई होप कि ये ब्लॉग तुम लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग पसंद है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं तक वीडियो सर हफ्ते में आता, मुझे लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे। और मैं तुमसे मिलता हूँ देखते पहले होगा हमारे यार बाय। For you.